नमस्कार, मैं अंकुश और द फैक्टाई की टीम पहुंची है लोगों के पास जानने कि क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच, क्या है डेरा के प्रमुख बाबा राम रहीम को फंसाने के पीछे की साजिश, या कुछ और ही मामला है जो हम सबसे और आप सबकी आंखों से छुपाया जा रहा है। जानने के लिए पूछते हैं डायरेक्ट एक महिला से जो कि डेरा सच्चा सौदा के बारे में ऐसा कुछ जानती है जो शायद हमें भी ना पता हो। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं पंजाब से आई। क्या नाम है आपका? सुदर्शन इंसा। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी लगती हैं आप, क्योंकि आपके नाम से पता चल रहा है इंसा। कितने साल हो गए डेरा से जुड़े? 30 साल हो गए। 30 साल काफी कुछ होता है, अनुभव लेने के लिए 1 साल भी काफी होता है। इस 30 सालों में डेरा सच्चा सौदा में या बाबा राम रहीम के नेचर में आपने कभी कुछ ऐसा देखा गलत सा कि नहीं? कभी नहीं देखा कुछ भी ऐसा। जहाँ सेफ है, मैंने पूरे भारत में, पूरे संसार में कहीं भी ऐसा सेफ नहीं मिलेगा जहाँ डेरे में सेफ है। तो आप महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे महिलाओं की तो सुरक्षा, जैसे भ्रूण हत्या होती है जहाँ कोई गलत काम कर रहे हैं, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, क्योंकि महिला अकेली नहीं जा सकती। जहाँ कहीं भी कोई महिला अकेली रहे, जहाँ बाहर घूमे, जहाँ डेरे के अंदर है, जहाँ बाहर है, कोई ऐसा मतलब आपके हिसाब से डेरा सच्चा सौदा महिलाओं के लिए एकदम बिल्कुल सुरक्षित? बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल जी। क्या कुछ सिखाते हैं आपके बाबा राम रहीम जो आज भी करोड़ों लोगों के सर पे बाबा की दीवानगी ऐसे ही चल रही है? बाबा राम रहीम ने पिताजी बोलते हैं उसको, उन्होंने तो ऐसा मतलब शिक्षा दी है महिलाओं को भी। हर एक सत्संग में वो कहते हैं भी बेटा आप बाहर जाओगे तो आप कैसे बचना है, लोगों से कैसे बचना है, गलत काम नहीं करना जी। मतलब पिताजी तो लोगों से कैसे बचना, मतलब गलत लोगों की संगत से? गलत लोगों से संगत से बचना है, जहाँ उनका मुकाबला कैसे करना, पिताजी हमें सिखाते हैं भी अपना सेफ कैसे रहना है। हमने सुना है मैम कि डेरा सच्चा सौदा में 134 से ज्यादा मानवता भलाई के कार्य चलाए जाते हैं। ये कार्य वाकई में चलते हैं या सिर्फ आंकड़े हैं? नहीं, चलते हैं। पिताजी गए हुए हैं, उनके बाद भी हम ये काम करते हैं। किस तरह के काम होते हैं, कुछ एक दो हमें भी गिनाएंगे? पिताजी ने जैसे वेश्याओं को शादी कराना जी, गरीबों का घर बना के देना जी, और बच्चों की पढ़ाई फ्री में देना जी, जहाँ सिखलाई जो सिलाई कढ़ाई है वो फ्री में देना, ऐसे काम सिखाते हैं जी। मतलब काबिले तारीफ है, जहाँ लोग अपनी बेटी के अगर बाय चांस कोई एसिड अटैक का हो जाता वो अपनी बेटी को भी संभालना एक बोझ समझता, और यहाँ सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा एक वैश्या को लाकर उसका इलाज करवा कर अपनी बेटी बनाकर उसकी शादी करवाते हैं। और अभी तक डेरा सच्चा सौदा में 20 से ज़्यादा वैश्याओं की शादियाँ हो चुकी हैं, और डेरा सच्चा सौदा लगातार सबसे अपील करता है कि आप में से जो भी मजबूर है वो हमारे पास आ सकता है। तो मैम ऐसे गुरु की समाज को कितनी जरूरत है? बहुत जरूरत है समाज को, ऐसे गुरु की तो बहुत ही जरूरत है, क्योंकि उनके जाने के बाद नशे द्वारा पंजाब में भी बढ़ने लग गए और भारत में नशा, क्योंकि वो हाजिर नहीं है इधर, उसकी हाजिरी में तो बिल्कुल लोग आते थे जाते थे, अभी भी आते हैं जाते हैं, पर जो अनजान लोग हैं वो नशे द्वारा करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि बाबा राम रहीम के पीछे कुछ ड्रग्स माफिया की साजिश है, कुछ नशे वालों की साजिश है कि वो नहीं चाहते कि बाबा राम रहीम उनके नशे के धंधे को चौपट करें, इसीलिए बाबा को फंसाया गया। क्या सही में सच है? सही में सच है, क्योंकि उनकी दुकानदारी थी वो ठप हो गई जी। बाबा राम रहीम क्या करते थे ऐसा जो उनकी दुकानदारी ठप हो गई नशों की? वो जैसे दुकानों में नशा बेचना, सिगरेट वीड बेचना, शराब बेचना, जहाँ स्मैक ये नशे वाली हर एक चीज बेचना वो बंद करते थे जी। इसलिए उनका उनसे मतलब वो अपनी संगत को सिखाते थे कि आपको नशा नहीं करना है, नहीं बेचना है जी। इसलिए वो ही लोग हैं जो पिताजी को फंसाने में आ गए हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद होगी जी। तो यहाँ पर हमें बाकी फैन से भी और जो बाबा राम रहीम के अनुयायी हैं या दूसरी भी जनता है उनसे भी पता चला था कि डेरा सच्चा सौदा में 1 घंटे के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोग कुछ ही पल में नशा छोड़ देते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के और बिना किसी पैसे के। तो आप मान के देखिए, जो इंसान 1 घंटे में 2 लाख लोगों का नशा छुड़वा सकता है, वो 1 महीने के सत्संग में पूरी दुनिया में कितना सुधार ला सकता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये ड्रग्स माफिया की भी साजिश हो। तो क्या अपील करना चाहेंगे आज आप सरकार से? सरकार के यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे गुरु को
वो जल्द से जल्द बाहर लाएं, क्योंकि हिंदुस्तान की हालत सुधर सके जो बिगड़ रही है, वो पिता ही सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधार सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। लगातार आपके बीच ला रही हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में सच और भी नई नई खबरों को जानने के लिए देखते रहिए द फैक्ट टाइम।